कोई भी गलत भारत के प्रति कोई गलत वो ना निकले, उसके बाद रहने में कोई दिक्कत नहीं। अगर वो वहां से यहाँ आएंगे अपने प्यार की खातिर तो रह सकती है। वैसे जो भी किया वैसे गलत चीज है, वैसे दूसरे उसमें मतलब बिना उसके आए आना, बिना बीजे के सर उसमें घुसना भारत में गलत चीज है, इल्लीगल तरीके से। पाकिस्तानी सीमा हैदर अब UPATS के रडार पर आ चुकी है। 18 जुलाई की सुबह तड़के ATS की टीम सीमा हैदर, सचिन मीणा और सीमा के ससुर को पूछताछ के लिए एक बार फिर अपने साथ ले गए। एक दिन पहले ही यानी 17 जुलाई को ATS की टीम ने ग्रेटर नोएडा में सीमा के घर से उसे हिरासत में ले लिया था। ATS सीमा के साथ सचिन को भी अपने साथ ले गई थी। ATS ने सीमा से नोएडा के सेक्टर 94 स्थित कमांड कंट्रोल रूम में करीब 8 घंटे तक पूछताछ की थी। अब एक बार फिर UPATS सीमा से पूछताछ कर रही है। सीमा हैदर केस की जांच अब UPATS की टीम कर रही है। लगातार कल भी 8 घंटे से अधिक जो UPATS है उसने सीमा हैदर, उसके पति सचिन और उसके साथ साथ जो ससुर है उससे लगातार 8 से अधिक घंटों तक पूछताछ की। वही घर है जहां मौजूद है। 3 दिनों पहले तक ये घर जो है जब हमने खटखटाया था तो नहीं खुल रहा था। उसके बाद फिर UPATS की टीम आई, कल उनको ले गई पूछताछ करने के लिए और कल रात देर रात 8-10 घंटे की पूछताछ के बाद उनको छोड़ी थी और आज तड़के सुबह फिर आके यहां से अभी ले गई है पूछताछ करने के लिए। यह पूरा इलाका देखिए, रबुपुरा का वही इलाका है, वही घर है जहां पे सीमा हैदर सचिन रहते थे और अब यहां से पुलिस जो है UPATS की टीम के साथ साथ यहां से लेकर गई है। तमाम लोग हैं। कब लेके गई थी यहां से? कल। आज भी लेके गई है? हां सुना है, आज भी ले गई है। कौन कौन है जिनको लेके गई है अभी यहां से? उसके पिताजी और सीमा जी को और सचिन को। आप यहीं के रहने वाले हैं? रबुपुरा के रहने वाले हैं। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे प्रकरण में, जो ये प्रकरण चल रहा है इस पे आप लोगों को क्या कहना है? अब तो कुछ भी नहीं है, जो खुफिया एजेंसी है वो जांच कर ही रही है अपने स्तर से, तो जांच चल रही है। देखो क्या आता है जांच में निकल के सामने, वैसे कुछ लगता तो ऐसा है नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं कि सीमा यहीं पे रहे या जाए? रहने का तो मामला यह है कि देखिए अगर जांच होने के बाद तभी कुछ कहा जा सकता है, इस पर ऐसा तो बोला नहीं जा सकता कि यहाँ रहें। क्या निकलता है जांच में भाई, कोई भी गलत भारत के प्रति कोई गलत वो ना निकले, उसके बाद रहने में कोई दिक्कत नहीं। अगर वो वहां से यहाँ आई है अपने प्यार की खातिर तो रह सकती है। देखिए प्यार की खातिर आई है तो रह सकती है। आप लोगों को क्या कहना है, कब लेके गए यहाँ से? मेरे को तो नहीं पता सर, मैं तो अभी आया हूँ। मेरे को तो नहीं पता। आप यहीं के रहने वाले हैं जी, तो आपको क्या लगता है इस पूरे प्रकरण को देख करके, जो जांच हो रहा है, जो चीजें हो रही हैं, उसके बाद जो सीमा है, क्या उसको यहाँ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखो इस मामले में तो खैर मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ, मगर जैसे भी अगर जो भी अपने यहाँ पे टीम एजेंसी या काम जांच कर रही है और जांच के प्रति जो कोई भी सही पाया जाता है तो उसका निर्णय वही लेंगे। इस मामले में हम क्या कह सकते हैं सर, बताइए। आप लोगों ने जब मुलाकात की होगी सीमा से तो बातचीत करने में क्या कुछ आप लोगों को समझ में आया, जो आसपास के लोग हैं? सर मेरे तो सर कोई नहीं समझ में आया ना, मैंने कभी आया यहाँ पे, मैं तो एक बार आया था बस, देख के चला गया या फिर मैं आज आया हूँ। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं अभी? मैं भी रहने वाला हूँ। तो अभी क्या सीमा और उसको टीले का टीम निकली है? जी अभी मैंने तो देखी नहीं। वैसे आप लोगों ने जब बात की थी सीमा से तो कैसा लगा था बात करके, क्या कुछ समझ में आया था, कोई जासूसी का एंगल आप लोगों को लगा था उसमें? नहीं देखो हर चीज में तो बोलने में तो हिचकिचाई, वैसे देखने में ये सरकार टीम लगी हुई, अब देखो क्या वो निकलता है उसमें, निर्णय हो लेती है। वैसे जो भी किया वैसे गलत चीज है, वैसे दूसरे उसमें मतलब बिना उसके आए आना, बिना बीजे के सर उसमें घुसना भारत में गलत चीज है, इल्लीगल तरीके से। बिल्कुल इल्लीगल तरीके से घुसना गलत चीज है और ये तमाम आस पड़ोस के लोग हैं जो बता रहे हैं कि जांच कर रही है एजेंसियां और अगर जांच के बाद कुछ निकल के सामने आता है तो रिपोर्ट भी होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ यहां पे संभव नहीं है। जो भारत के नागरिक हैं वो खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं और बाहरी देश से अगर कोई आता है प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ आता है तो उसका स्वागत है, लेकिन बिना डॉक्यूमेंट के अगर आता है तो उसका एक प्रॉपर वेरिफिकेशन होना चाहिए और अगर थोड़ा सा भी उसके ऊपर डाउट होता है या आरोप कोई सिद्ध होते हैं तो उसे वापस से भेज देना चाहिए। सीमा को लेकर ये शक जताया जा रहा है कि वो ISI के एजेंट है, उसकी बातों में कितना दम है, पूछताछ के जरिए ये पता करने की कोशिश हो रही है।
सकती है। लोगों का यह कहना है आज भी यूपीएटीएस की टीम लगातार पूछताछ करेगी। अभी थोड़ी देर पहले ही लेकर जो सीमा उसके पति और जो ससुर है उसको लेकर गई है और लगातार इस पूरे मामले पे आज भी यूपीएटीएस की टीम पूछताछ करेगी। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले में क्या कुछ निकल कर नया ताजा नजर आता है। यूपी पुलिस के बाद एटीएस, आईबी और बाकी सुरक्षा एजेंसियां सीमा पर नजर रखे हुए हैं। जाहिर है जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। नोएडा के रबुपुरा में सचिन के मोहल्ले के लोग भी कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, अगर वो दोषी है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। पाकिस्तानी सीमा जिस तरह से बिना पासपोर्ट वीजे के अवैध रूप से भारत में घुसी, उससे इतना तो तय है कि सीमा की मुश्किलें बढ़ना तय है और उसका वापस पाकिस्तान जाना भी तय है। टाइम्स नॉन ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।